दोस्तों आप लोगों का स्वागत है फिर से टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल के अंदर। और ये नेक्स्ट वीडियो है आप लोगों के लिए ASP.NET कोर का। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुकीज़ के बारे में बताऊंगा कि कुकीज़ को हम लोग कैसे इस्तेमाल में लें ASP.NET कोर के अंदर। कुकीज़ क्या होती है और कैसे क्यों इस्तेमाल में ली जाती है, इसके बारे में तो एक थ्योरेटिकल अगर वीडियो हम लोग बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल सीरीज़ है तो मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल सीरीज करके ही बताऊंगा कि कुकीज़ को हम लोग वेब ब्राउजर के अंदर ही या क्लाइंट के कंप्यूटर पे ही सेव कर देते हैं, तो कैसे हम लोग उसे सेव करें। तो सबसे पहले आप लोग एक मॉडल बना लीजिए और उसमें हम लोग ले लेते हैं एक, चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कोई मॉडल है क्या हमारे पास। यस, हमारे पास मॉडल है ऑलरेडी, स्टूडेंट नाम से हमारे पास मॉडल है जिसमें आईडी नेम और प्रोफाइल इमेज है, और एम्प्लॉय नाम से भी मॉडल है हमारे पास जिसमें आईडी नेम सिटी और ईमेल वगैरह है। तो अगर हम लोगों को कुकी के अंदर सपोज नेम स्टोर करवाना है, चलिए हम लोग कुकी के अंदर ईमेल जो है वो स्टोर करवा लेते हैं। तो कैसे हम लोग जो है कुकी के अंदर ईमेल स्टोर करवाएं, उसके लिए हम लोग जो है एक नया कंट्रोलर जो है वो बनाते हैं जिसका नाम हम लोग टेस्ट कंट्रोलर रख लेंगे। तो एम्प्टी से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, टेस्ट कंट्रोलर इसका नाम हम लोगों ने रख लिया है, और इसके अंदर हम लोग कुकीज़ को ऐड करेंगे। एक्चुअली में ये इंडेक्स पेज है जहाँ पर आप लोगों की जो पेज है वो दिखाई देगा, जो आप लोगों का स्टूडेंट पेज है। ऐड न्यू व्यू पे करते हैं हम लोग क्लिक, यहाँ पर इंडेक्स नाम से ही है, और ये हम लोग क्रिएट जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, मॉडल क्लास जो है आप लोगों की एम्प्लॉई जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं और ऐड पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम लोग इंडेक्स को ओपन करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों की सबसे पहले आप लोगों से पूछेगा, क्या पूछेगा आप लोगों से, आप लोगों से बोलेगा कि कुछ स्टूडेंट की आप एम्प्लॉयज की आप लोगों को डिटेल देनी है। जैसे कि हम लोग व्यूज में जाकर चेक कर लेते हैं टेस्ट कंट्रोलर के अंदर, टेस्ट कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स डॉट CSHTML है। यहां पर देखिए आप लोगों के पास नेम होगा, सिटी होगी, ईमेल होगा, और सबमिट बटन क्लिक करके हम लोग दोबारा से किस पेज पर आ सकते हैं तो ये फॉर्म बताता है। ASP एक्शन दोबारा से इसी फॉर्म यानी इंडेक्स पर ये पोस्ट उस चीज को कर देगा। तो हम लोगों को पोस्ट जो है करना है वो एक्चुअली में हम लोगों को करना है क्रिएट के ऊपर। तो हम ये लोग यहां पर क्या कर लेते हैं, क्रिएट पर, और इसको पोस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों जब मैं सबमिट करूंगा तो ये मेथड जो है वो पोस्ट हो जाएगा और क्रिएट एक्शन मेथड पर चला जाएगा। तो टेस्ट कंट्रोलर पर हम लोग जो है क्रिएट एक्शन मेथड बना लेते हैं जैसे कि, और उसमें आप लोगों के पास यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं HTTP पोस्ट, क्योंकि हम लोगों ने जो कंटेंट है वो पोस्ट किया है। और यहां पर आप लोगों का मॉडल आ जाएगा यानी कि एम्प्लॉय पूरा का पूरा, और हम लोग उसका एक वेरिएबल बना लेते हैं EMP के नाम से। EMP में जो ईमेल है वो हम लोगों को किस में सेव करनी है, वो हम लोगों को कुकीज के अंदर सेव करनी है। तो उसके लिए आप लोग क्या यूज करें, कुकीज ऑप्शन सबसे बेहतरीन तरीका है। तो कुकी ऑप्शंस यहाँ पर देखिए, कुकीज ऑप्शंस जो है आप लोगों ने सेलेक्ट किया तो कुछ नहीं आया, तो आप लोग कंट्रोल डॉट की दबाएं कीबोर्ड की, और नेमिंग जो है उसे आप लोग रिजॉल्व कर लें, कुकीज यहाँ पर लिखें और न्यू कुकी कुकी ऑप्शन। तो आप लोगों ने कुकी ऑप्शंस की एक क्लास जो है वो यूज कर ली है, और अब कुकी एक्सपायरी भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, इसी का एट्रीब्यूट होता है। अगर आप लोग कुकी के बारे में पढ़ेंगे तो ये कुकी जो है कब एक्सपायर होगी उसके लिए है। तो हम लोग लगाते हैं डेट टाइम डॉट नाउ डॉट एड डेज, लगा लेते हैं कि एक दिन के अंदर जो है कुकी जो सेव करते हैं वो हट जानी चाहिए। तो हम लोगों ने कुकीज जो है वो सेव कर ली है। अब हम लोगों को ये कुकी जो है EMP का ईमेल सेव करना है, तो हम लोग लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट कुकीज डॉट अपेंड। अब हम लोगों को स्ट्रिंग के अंदर की चाहिए और उसकी वैल्यू चाहिए जो हम लोगों को सेव करनी है। दूसरा है कि हम लोगों के पास कुकीज ऑप्शंस भी होना चाहिए। तो हम लोगों ने कुकी का जो है हम लोगों को ईमेल के अंदर सेव करना है, ईमेल के अंदर सेव करना है। तो क्या सेव करना है हम लोगों को, जो EMP के अंदर जो ईमेल है वो हम लोगों को सेव करना है, ठीक है। और जो कुकीज का ऑप्शंस क्या है हमारे पास, कुकीज है जो कि ईमेल जो है ये हमारी कुकीज के अंदर सेव हो जाएगा, और किसमें रिटर्न कर देगा, व्यू को सेक्शन को। रिटर्न हम लोगों को किस पे करना है, हम लोगों को रिटर्न करना है दूसरे वाले पेज पे। तो हम लोग यहाँ पर रिटर्न व्यू भी लिख सकते हैं कि आप लोगों की जो कुकीज है वो सक्सेसफुली सेव्ड हो चुकी है। तो हम लोग यहाँ पर एक व्यू बैक ऑब्जेक्ट डाल लेते हैं, व्यू बैक डॉट
सेव्ड, सेव्ड के नाम से डाल लेते हैं, कुकी कुकी सेव्ड, हम लोगों ने यहाँ पर लिखी कुकी सेव्ड, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक। और यहाँ पर मैं पूरा का पूरा ईएमपी जो है वो दोबारा से सेंड कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्रिएट के पेज पर, क्रिएट पर हम लोग जो है एक सिंपल सा फॉर्म जो है वो यहाँ पर बनाएंगे क्रिएट, और उस पर हम लोग एम्प्टी बना लेते हैं, कुछ भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नहीं, सिर्फ एक सिंपल सा मैसेज हम लोग उस पर देंगे कि आप लोगों की जो कुकी है वो सेव्ड हो चुकी है, तो व्यू बैक को हम लोग वहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो क्रिएट का हम लोग यहाँ पर लें और एट द रेट ऑफ व्यू बैक डॉट सेव्ड जो मैसेज है हमारा वो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ये जो है वो यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं डॉट सेव्ड। अब हम लोगों को ये चेक करना है कि हमारी कुकी सेव्ड हुई है या नहीं है, तो हम लोग ए एंकर टैग यूज में लें, ए एस पी एक्शन हम लोग यूज में ले सकते हैं, ए एस पी एक्शन, इसके लिए हम लोग को रीड करना होगा कुकीज को, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ये मेथड जो है रीड कुकीज ये कॉल होना चाहिए, और ए एस पी हम लोग कंट्रोलर भी यूज कर लेते हैं, टेस्ट कंट्रोलर, और हम लोग इसमें लिख लेते हैं टेस्ट कंट्रोलर, और यहाँ पर लिख लेते हैं रीड कुकीज। तो हम लोगों को इस नाम से जो मेथड है वो बनाना होगा टेस्ट कंट्रोलर के अंदर। तो ये देखिए हम लोग इसी को हम लोग एक बार के लिए कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं एक बार के लिए, और इस मेथड को हम लोग कॉपी करते हैं और टेस्ट कंट्रोलर के यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। तो इस नाम पर वो आएगा हमारे पास कुकीज़ को रीड करने के लिए, तो हम लोग दोबारा से हम लोग जो हैं कुकीज़ की जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं पेज के ऊपर। तो जस्ट हम लोग क्या करें, हम लोगों को क्या करना है, उसी पेज पर अगर आप लोग भेज रहे हैं, जैसे कि क्रिएट के इंडेक्स पेज पर आप लोग भेज रहे हैं, क्रिएट के व्यू पेज पर अगर आप लोग भेज रहे हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट जो है वो कॉल कर लेंगे। ये देखिए क्रिएट हम लोगों ने कॉल किया है। अब हम लोग व्यू बैक दूसरा बनाएंगे डॉट ईमेल, हम लोगों ने ईमेल के नाम से ही बनाया, तो आप लोगों को कुकीज को रीड करना है, तो क्या करेंगे आप लोग, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज और ब्रैकेट के अंदर उसका की हमारा हमारे पास है ईमेल डॉट टू स्ट्रिंग, और मैंने किस कौन से वाले मेथड के ऊपर भेज दिया इसको, क्रिएट वाले पे, तो ये जस्ट इसी पे ही आ जाएगा और आप लोगों को कुकीज़ की वैल्यू आप लोगों को दिखाई देगा। तो हम लोग दोबारा से डिवीज़न टैग लगाते हैं, उप्स डायलॉग लग गया, या हम लोग स्पैन टैग भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पर हम लोग जो हैं एट द रेट व्यू बैक फिर से लगाते हैं डॉट, और यहाँ पर व्यू बैक के अंदर जो है टेस्ट कंट्रोलर के अंदर हमारा ईमेल है, तो जस्ट कॉपी कीजिए इसको और इसके अंदर यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अब हम लोग इसको रन कर लेते हैं टेस्ट कंट्रोलर को, तो सबसे पहले हम लोग इंडेक्स को रन करेंगे जिसमें खाली पेज जो है वो रन होगा, और उसके बाद में जब वो फॉर्म फिल कर देगा तो ईमेल जो है वो कुकीज़ के अंदर सेव हो जाएगा एक दिन के लिए। तो हम लोगों ने ओपन किया टेस्ट और उसका इंडेक्स, तो नेम सिटी एयर एम्प्लॉई, नेम हम लोग लिख देते हैं मेरा नाम तरुण, सिटी हम लोग लिख देते हैं जयपुर, और ईमेल मैं लिख देता हूँ वन तरुण एट द रेट आउटलुक डॉट कॉम, और क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ। तो क्रिएट जो है कुकी सेव्ड हो चुकी है। अगर उसका नाम आप लोगों को चेक करना है, तो जैसे ही मैं रीड कुकीज़ करूँगा तो ये दोबारा से आप लोगों के कौन से वाले रीड कुकीज़ पे जाएगा, लेकिन इसी पेज पर दोबारा आ जाएगा। ये देखिए रीड कुकीज़ पर आ चुका है, यहाँ पर आ रहा है एरर, रीड कुकीज़ पे आ रहा है सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनेरिक लिस्ट सिस्टम डॉट करेक्टर, इस टाइप का एरर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, मतलब कुकी के अंदर जो वैल्यू सेव हुई है वो वैल्यू नहीं आई है। कहने की बात यही है कि आप लोगों की जो वैल्यू है कुकीज़ की वो डायरेक्टली ये रीड नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग दोबारा से टेस्ट कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और आप लोगों को देखते हैं कि ये रिक्वेस्ट पे आ रहा है आप लोगों के पास, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ ऑफ की जो है वो ईमेल ही है, ये देखिए की है इसकी, और
और इसकी जो वैल्यू है वो हम लोगों को दिखनी चाहिए ईमेल के ऊपर। तो दोस्तों देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर एरर जो है वो शो कर रखा है, डॉट टू लिस्ट नहीं डॉट टू स्ट्रिंग आएगा, क्योंकि एक ही वैल्यू है हमारे पास, कोई लिस्ट टाइप की वैल्यूज नहीं है। तो आप फिर से अब लोग इसको सेव कीजिए और दोबारा से हम लोग इसको रन करते हैं और ओवरराइड करते हैं इसके साथ कुकीज़ के नेम को। तो देखिए यहाँ पर मैं दोबारा से, उप्स, यहाँ पर हम लोग टेस्ट कंट्रोलर लिखते हैं, इंडेक्स पर जाते हैं, नेम के अंदर मैं राहुल लिखता हूँ, सिटी, ईमेल जो है वन तरुण एट द रेट आउटलुक डॉट कॉम, और रीड कुकीज़ पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों को कुकीज़ का जो नाम है वो यहाँ पर दिख रहा है, वन तरुण एट द रेट आउटलुक डॉट कॉम। तो रीड कुकीज़ अगर आप लोग करेंगे तो दोबारा यही पेज जो है आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और साथ ही मैं आप लोगों से बहुत सारे वीडियो जो है शेयर करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।